आज हम बना रहे हैं चिकन ग्लेजेड। तो यहाँ पर देखिए चिकन पोठा या पेठा भी बोलते हैं उसको। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। एक पेठे को मतलब हम कट करेंगे, ये देखिए दो हिस्सों में, मतलब बीच में से कट करेंगे तो ऐसा हो जाता है ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप के जितना ऑयल ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता डालेंगे। 3 मैंने हरी मिर्ची ली है जिसको इस तरीके से मैंने कट कर लिया। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें कड़ी पत्ता डालने का रीजन ये है कि ये जो चिकन ग्लेजेड है या फिर चिकन पेठा है वो जो है इसमें जो स्मेल होती है वो स्मेल कवर हो जाती है अगर आप ये कड़ी पत्ता ऐड करते हो। तो सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर ताकि ये जल्दी से कैरामलाइज हो जाए, मतलब जल्दी से ये कलर जो है चेंज कर ले अपना। प्याज जो है बड़ा साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और इसको तब तक भुनेंगे जब तक कि इसकी रॉ स्मेल नहीं चले जाती। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसकी स्मेल जो है वो चले गई है। तो अब इसके अंदर ये हम चिकन ग्लेजेड या चिकन पेठा ये हम इसमें डाल देंगे। ये 1/2 kg चिकन का पेठा है, ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हमने अच्छे से पकाना है, इतना कि इसके अंदर से जो पानी है वो निकलने लग जाए, इतना हमने इसको पका लेना। फास्ट फ्लेम पर ही पकाएंगे, पानी मैं अभी नहीं ऐड कर रही इसके अंदर। इसमें पानी देखिए निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने भुना कुटा जीरा लिया है, यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने भुना कुटा धनिया लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है। ये सारा इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो गरम मसाला का जो पाउडर है वो एंड में भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर दूंगी और इसको मैं 20 मिनट तक अच्छे से कुक कर लूंगी। 20 मिनट अच्छे से हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पककर रेडी हो चुका है। बीच बीच में मैंने इसको चलाया भी है, 20 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से ये कुक भी हो चुका है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर ये नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालना चाहो तो डाल दीजिए, डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, टैंगी सा फ्लेवर आ जाता है। हम लोग इसमें डालते हैं, बहुत से लोग नहीं भी डालते, तो वैसे आपकी मर्जी है। इसमें हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे, एक बता भी देती हूँ आपको तोड़ के। वैसे ही अभी कुक हो गया है तो इसको सर्व कर सकते हैं। हम लोग इसको दाल राइस के साथ में खाते हैं, आप चाहो तो इसको दाल राइस के साथ में खाइए। दाल राइस के साथ में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दाल राइस के साथ में ले लीजिए इसको, खा लीजिए, या फिर आप सिंपली इसको रोटी के साथ में भी खा सकते हो। ये देखिए या चिकन पेठा जो है बनकर तैयार है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।